अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाईली प्रॉफिटेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट से जब हम बात करते हैं बहुत सारा पैसा कमाने की, तो बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क प्लेटफॉर्म है। तो फिर हम स्टॉक मार्केट से जब बड़ा रिस्क लेंगे, बड़ी कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो हम जब ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज मैं ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, जिसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो तरीका है उसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने करनी है और आप स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसमें जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको रिस्क भी ज़्यादा नहीं होगा और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो व्यूअर्स, मैं इतना आसान और सिंपल तरीके से आपको गाइड करूंगा कि जो नए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी और वो बहुत आसानी के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क और विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना, ना ही स्टॉक की फ्लक्चुएशन पे नज़र रखनी है। जब आप इस मेरे बताए हुए फॉर्मूले पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आप जो है वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, मैं बहुत आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा ताकि आपको ईजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कितनी बड़ी वेल्थ आप स्टॉक मार्केट से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना विदाउट डूइंग एनीथिंग, लेकिन आप पैसे कमा रहे होंगे, वो भी पैसिव इनकम। और ये कोई हैरत की बात नहीं है व्यूअर्स, मैं ये जो भी बात आपसे कह रहा हूँ पूरी रिसर्च के साथ और फैक्ट्स की बुनियाद पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इवन कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट में अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है वो उतना अमीर बन सकता है और जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता वो उतना ही गरीब भी हो सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और स्टॉक मार्केट में जो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करती है ये मैं आपको दूसरे स्टेप में बताऊंगा। दूसरा स्टेप है चूज बोनस एंड डिविडेंड स्टॉक्स, मतलब कि जब भी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप नए हो या पुराने हो, आपने हमेशा से अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है और वो स्टॉक्स आपने एनालिसिस करके चूज़ करने हैं जो कि हर साल बाकायदगी से बोनस शेयर या डिविडेंड कंसिस्टेंटली देते हों। जब आप ऐसे शेयर चूज़ करते हैं तो उससे आपको सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है
कि ये शेयर आपको हर साल बकायदगी से एक अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको दे रहे होंगे, और बोनस शेयर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो कंपाउंडिंग, दूसरा आपका कंपाउंडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। अब कंपाउंडिंग किस तरह से काम करती है ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि एक कंपनी है जिसने बोनस शेयर दिए, एक साल 20% बोनस दिए और फिर अगले साल 10% बोनस दिए, तो उससे होगा क्या कि आपके पोर्टफोलियो में ये बोनस शेयर ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे। तो जब ये ऐड होते रहेंगे तो आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, और ये जो आपके शेयर्स हैं वो कंपाउंडिंग की मदद से बढ़ते चले जाएंगे। जब एट द एंड उसमें ग्रोथ होगी और आपके पोर्टफोलियो में क्वांटिटी में जो शेयर होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे बोनस शेयर की मदद से, तो आपको अच्छा खासा एक कैपिटल गेन और वेल्थ मिल जाएगी, और वो भी पैसिव तरीके से। मतलब इसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं होगी, आपने जस्ट सही स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट की तो उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। इसी तरह डिविडेंड स्टॉक्स में भी यही है कि जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं तो जो अमाउंट वो आपको हर साल देते हैं तो वो अमाउंट आपने री इन्वेस्ट करनी है। तो जब आप री इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता जाएगा, और उससे ये होगा कि आपकी जो है वेल्थ आसानी से क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि डिविडेंड से बेहतर मैं समझता हूँ कि बोनस शेयर होते हैं। उससे होता ये है कि डिविडेंड की अमाउंट होता ही है कि अमूमनली लोग खर्च कर देते हैं या अपने दूसरे काम में यूटिलाइज़ कर देते हैं, जबकि बोनस शेयर में वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अच्छा तरीका इसमें जो है वो राइट बोनस शेयर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। तीसरा स्टेप है अवॉइड ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशंस। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आपने स्टॉक को बाय सेल नहीं करना है। जो स्टॉक आप सिलेक्ट करें उसको पूरी एनालिसिस और फंडामेंटल्स के साथ और अपनी सोच के साथ उसको बाय करें, और जब बाय कर लें तो फिर उसमें स्पेकुलेशन ना करें, यानी कि कोई न्यूज़ आई और इस तरह की कि आपने जो है वो स्टॉक को बेच दिया। तो इससे होगा क्या कि प्रोबेबली चांसेस है कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान करेंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि आपने क्या किया है, आपने स्टॉक मार्केट में सट्टा खेला है, और जो लोग सट्टा खेलते हैं नुकसान वही लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, और 90% लोग ये काम करते हैं, और जो 10% लोग होते हैं जो समझदार लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे शेयर्स में। जैसे मैंने आपको बताया है कि ऊपर के दो स्टेप आप फॉलो करेंगे तो ये तीसरा स्टेप आपको मैंडेटरी है कि आप ज़रूर फॉलो करें। जब आप एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं बोनस और डिविडेंड वाले स्टॉक को, तो एक्चुअल में जो कंपाउंडिंग है वो आपकी तभी काम करेगी जब आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड रखेंगे स्टॉक को। और मैंने आपको बताया है कि जब कंपाउंडिंग अपना काम करती है तो कंपाउंडिंग की जो इन्वेस्टमेंट होती है फिर उसका मुकाबला जो है वो एक ट्रेडर जो करोड़ों रुपए के साथ ट्रेड कर रहा है वो भी नहीं कर सकेगा। तो आप लोगों की जीत है, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कामयाब माने जाते हैं, इसीलिए कि वो स्टॉक को उनमें पेशेंस होता है होल्ड करने का। तो तीसरा स्टेप जो है वो आपने ट्रेडिंग अवॉइड करनी है और स्पेकुलेशन नहीं करना। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जगह है, और वो भी जो असल गेम है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही है। तो व्यूअर्स, आई होप के आपको इस वीडियो में मैंने आसानी के साथ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के जो स्टेप हैं वो मैंने आपको गाइड किए हैं,
और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी वेल्थ स्टॉक मार्केट से क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में मैं आपको गाइड करता रहता हूँ टाइमली, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसे कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स, आई होप के आज की वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आज एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, कमेंट पर इसका जवाब मुझे दीजिएगा कि चेस आप लोग सब खेलते हैं, चेस में 64 कॉलम होते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक कॉलम पे एक चावल का दाना रखते हैं और दूसरे कॉलम पे उसको डबल करके रखते हैं, तो बताइएगा कि जब आप आखिर में पहुंचेंगे तो कितने चावल के दाने आपको रखने पड़ेंगे। तो कमेंट में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, और जब आप जवाब दे देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया है। तो व्यूअर्स, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।